हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे टीडीएस ऑन कमीशन। टीडीएस ऑन कमीशन सेक्शन कौन सा है? 194H, एच पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स का सेक्शन कौन सा है? 194H, किसके लिए? कमीशन के लिए। ठीक है, हम बात अब किस पे एप्लीकेबल होगा? ये रेजिडेंट पे, सभी पे एप्लीकेबल होगा। एनी पर्सन हो एक्सेप्ट इंडिविजुअल एंड HUF को छोड़कर सभी पर क्या हो जाएगा? ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और इनकम क्या आएगी इसके अंदर? कमीशन और ब्रोकरेज एक्सेप्ट इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन के लिए सेपरेट सेक्शन है 194D। तो सभी कमीशन और ब्रोकरेज आ जाएंगी एक्सेप्ट इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन के लिए सेपरेट सेक्शन है 194D। इंक्लूड्स कौन कौन सी चीज़ें होगी इसमें? एक तो हमने सर्विस रेंडर्ड की है एक्सेप्ट प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस के लिए सेपरेट सेक्शन है। फॉर एनी सर्विस इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसके दौरान कोई सर्विस दी है तो वो भी किस में आ जाएगी? कमीशन और ब्रोकरेज के सेक्शन में ही, 194H। एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग नॉट बीइंग सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए उसके लिए सेपरेट सेक्शन है। ठीक है जी, डिडक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड INR 15,000, कि पूरे साल का हमने जो कमीशन और ब्रोकरेज की पेमेंट करनी है वो कितनी है? 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, यह हमने 197 में एप्लीकेशन फाइल कर दी है कमिश्नर के पास निल या लोअर रेट TDS के लिए, तो भी हमें TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है उसका। वो हमें क्या देंगे? सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे कि हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है कि हमारा TDS डिडक्ट नहीं करें या निल रेट के लिए या लोअर रेट। ठीक है जी, रेट ऑफ TDS क्या है कमीशन के लिए? 5% है। पैन अवेलेबल है तो, अगर किसी ने पैन प्रोवाइड नहीं किया ये तो कॉमन है, तो 20%। एडिशनल पॉइंट हमें क्या ध्यान रखने हैं? कमीशन रिसीव्ड बाय ट्रेवल एजेंट लायबल टू TDS अंडर सेक्शन 194H। ठीक है, तो उस पर भी ये सेक्शन लग जाएगा ट्रेवल एजेंट पर भी। एडवर्टाइजमेंट कमीशन पेड बाय द दूरदर्शन टू इट्स एजेंट, दूरदर्शन अपने एजेंट्स को एडवर्टाइजमेंट जो कमीशन देता है उस पर भी कौन सा सेक्शन लगता है? 194H। डिपॉजिट कराने की डेट होती है जी 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जैसे अप्रैल का कब होगा? 7 मई तक डिपॉजिट करवाना है। और बट मार्च के लिए क्या है जी? 30 अप्रैल। ये सभी सेक्शन के लिए है डिपॉजिट कराने की। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।